अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ेड़ा ये चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों आज की जो वीडियो है हमारी, ये रूटीन से थोड़ा हटके है। दरअसल चूँकि जान है तो जहान है, तो इस वजह से जो है टेक्नोलॉजी की वीडियोस अपनी जगह, लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने आपको हैंड सैनिटाइज़र बनाना सिखाना है। हैंड सैनिटाइज़र की चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आई हुई है मार्केट के अंदर, जो 60-65 रुपये वाला हैंड सैनिटाइज़र है वो 350 रुपये के करीब जो है वो दस्तयाब है। तो दोस्तों इसलिए बाज़ार से ख़रीदने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बेहतर तो यही होता है कि आप अपने हाथों को साबुन के साथ धोएं, तो बार बार धोएं तो इसकी जो है ना वक्फे वक्फे से यानी धोएं तो काफ़ी जरासीम आपके हट जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी ऐसा करना मुश्किल हो तो हैंड सैनिटाइज़र बनाकर अपने पास रख लें, तो किसी भी वक्त जो है आप स्प्रे कर सकते हैं अपने हाथ के ऊपर, या उसको हाथ के ऊपर डालकर थोड़ा सा हाथ धो सकते हैं आप। उससे जो है आपके सारे जरासीम वगैरह हाथ की उंगलियों से ख़त्म हो जाएंगे। उसके लिए दोस्तों जो हमारा बुनियादी फार्मूला है वो इंतहाई आसान है। हमें इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ दो अज़ा की ज़रूरत है। एक हमें जो है नॉर्मल स्पिरिट की ज़रूरत है, जिसको सर्जिकल स्पिरिट भी कहते हैं, और इसके अलावा हमें जो है एलोवेरा, अगर कोई फ़्रेश मिल जाए तो बेहतर है। अगर फ़्रेश ना मिले तो एलोवेरा जेल जो है वो जनरल स्टोर्स के ऊपर आमतौर पर दस्तयाब है, वो भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन एलोवेरा जेल आपको 250 से 350 के करीब मिलेगी, उससे काफ़ी सारा जो है हैंड सैनिटाइज़र बन जाएगा। इसके लिए दोस्तों हमारे पास जो है हमें जो स्पिरिट चाहिए होगा दोस्तों उसकी, और जो एलोवेरा होगा, एलोवेरा जेल जो इसके अंदर से हम निकालेंगे उसकी जो मकदार है वो हमने इस तरह से रखनी है कि जो स्पिरिट है वो डबल क्वांटिटी में हो और एलोवेरा सिंगल क्वांटिटी में। मिसाल के तौर पे एलोवेरा आधा कप आप ले रहे हैं तो पूरा कप जो है वो स्पिरिट का लेना है। अगर एलोवेरा एक कप ले रहे हैं एलोवेरा जेल का, तो दो कप जो है आपको स्पिरिट लेना होगी। इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले जो है इसके अंदर से जेल निकालने की कोशिश करते हैं। ये दोस्तों जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि जो इसके अंदर से जेल है ये हमने ऐसे निकालनी है। ये एलोवेरा जेल दोस्तों इसके अंदर से निकाल के इसको थोड़ा सा जो है मैश कर लेना है। इसको दोस्तों आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वैसे अगर ग्राइंडर ना हो तो आप इसको इस तरह से मैश कर सकते हैं। इसके अंदर अब हमने स्पिरिट डालनी है। तो दोस्तों ये जो है आपके पास, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो ये आपके पास हैंड सैनिटाइज़र तैयार है। इसके अंदर आप जो है कोई भी एसेंशियल ऑयल थोड़ा सा डाल सकते हैं, या जो है आप इसके अंदर थोड़ा सा लेमन भी निचोड़ सकते हैं, विटामिन ई का कैप्सूल आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर ये जब तैयार हो जाए तो आप इसकी सेंसिटिविटी अपने हाथ के ऊपर पहले थोड़ा सा लगा के चेक कर लें। अगर कोई सेंसिटिव जल्द वाले लोग हों तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो इससे। इसके अलावा दोस्तों ये बेहतरीन हैंड सैनिटाइज़र है, बाज़ार से बहुत अच्छा है, बिल्कुल ही नेचुरल है। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।